पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में तारीख रकम करते हुए भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने 17.5 गेंदों में अपनी टीम को जीत दिला दी। पाकिस्तान ने अपने ओपनर्स कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार नसीब सेंचुरियों और 152 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग पार्टनरशिप की मदद से ICC T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान को इतवार के रोज एकतरफा अंदाज में 10 विकेटों से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप में मुसलसल 5 मैचों में शिकस्त खाने का सिलसिला तोड़ दिया। हिंदुस्तान ने कप्तान विराट कोहली की 49 गेंदों पर 5 चौकों और 1 छक्के की मदद से 57 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 151 रन का मुश्किल स्कोर बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने बगैर कोई विकेट गवाए 17.5 ओवर्स में 152 रन का हदफ हासिल कर लिया। इससे कबल हिंदुस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ अपने तमाम 5 मैच जीते थे, लेकिन हिंदुस्तानी बॉलर्स इस मैच में एक भी पाकिस्तानी विकेट न ले सके। इस तरह वो मैच जिसे सख्त मुकाबला कहा जा रहा था मुकम्मल तौर पर एक तरफा हुआ। टॉस हारने के बाद पहली बैटिंग करने उतरे हिंदुस्तान की शुरुआत खराब रही। पहले ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी के हाथों LBW हो गए। आफरीदी ने अपनी दूसरी जानिब इनिंग्स के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर लोकेश राहुल को बोल्ड किया। राहुल 8 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद आफरीदी की बेहतरीन इन स्विंग पर बोल्ड हो गए। क्रीज पर कप्तान विराट कोहली का साथ देने आने वाले सूर्य कुमार यादव ने 8 गेंदों में 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 11 रन बनाए और हसन अली की गेंद पर विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान के हाथों कैच आउट हुए। हिंदुस्तान ने अपना तीसरा विकेट 31 के स्कोर पर गवा दिया, लेकिन इसके बाद विराट और विकेट कीपर ऋषभ पंत ने चौथी विकेट के लिए 53 रन की अहम शराकत दारी की। 10 ओवर के बाद हिंदुस्तान का स्कोर 3 विकेट पर 60 था। पंत ने हसन अली की इनिंग्स की 12वें ओवर में 2 छक्के लगाए। पंत ने स्पिनर शादाब खान के हाथों बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हुए गेंद को ऊंचा खेल गए और बॉलर शादाब ने अपनी ही गेंद पर कैच लेकर पंत की इनिंग का खात्मा किया। पंत ने 30 गेंदों पर 39 रन में 2 चौके और 2 छक्के लगाए। विराट ने इनिंग्स के 16वें ओवर में हसन अली की गेंद पर 2 चौके लगाए। विराट ने 18वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन बनाकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी 10वीं नसीब सेंचुरी मुकम्मल की और वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा 50 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट ने अगली गेंद पर चौका लगाया जबकि जडेजा ने चौथी गेंद पर चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर मुतबादिल खिलाड़ी मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। जडेजा ने 13 गेंदों पर 13 रन में 1 चौका लगाया। जडेजा का विकेट 125 के स्कोर पर गिरा। इसके बाद 11 रन के बाद विराट को आफरीदी की गेंद पर रिजवान ने कैच कर लिया। हार्दिक पांड्या 8 गेंदों पर 11 रन बनाने के बाद आखिरी ओवर के तीसरी गेंद पर आउट हुए। हिंदुस्तान की इनिंग्स 151 रन पर खत्म हुई। भुवनेश्वर 4 गेंदों और 5 रन पर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से आफरीदी ने 31 रन के औज 3, हसन अली ने 44 रन के औज 2, शादाब ने 22 रन के औज 1 और हारिस हरूफ ने 25 रन की औज 1 विकेट हासिल किया। ब्यूरो रिपोर्ट, वैली ऑनलाइन। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको बहुत बहुत शुक्रिया सबका जिन्होंने हमारे लिए दुआ की, और जो मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं इस मैच का वेट कर रहे थे और जिस तरह उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें, हमें बैक किया जिस तरह स्टेडियम में, सोशल मीडिया पे और पाकिस्तान में जिस तरह उन्होंने सपोर्ट किया, वो हमारे लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस था और उससे हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और हेल्प मिली कि हमारे पीछे हमारी आवाम है। तो थैंक यू सो मच आप सबका।
नॉइस की वजह से काफी थोड़ा सा आवाजें नहीं आ रही क्योंकि इतना शोर था, लड़कों को इशारा करना पड़ता था, मेरी आवाज नहीं जा रही थी तो मैं थोड़ा गुस्सा भी हुआ। लेकिन ये चीज हम मिस कर रहे थे काफी दिनों से, काफी अरसे से, कि ये फैंस आए स्टेडियम में और हमें सपोर्ट करें और अच्छी क्वालिटी क्रिकेट देखें। हमेशा आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है और हम बिलीव करते हैं कि अप एंड डाउन होते रहते हैं, अच्छी बुरे रिजल्ट आते रहते हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट बहुत जरूरी होती है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत हाई जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट यही कि अभी टूर्नामेंट स्टार्ट है, अभी बहुत से मैचेस बाकी रह गए हैं, तो हम मुझे एज अ कप्तान आप सबकी बहुत सपोर्ट चाहिए। Complete shop of electronic gadgets, accessories and multi-documentation center. Visit our center 9 AM to 9 PM behind Siddiqui Public Park, Kangan. मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।